Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Shaboy Swaggy Prince is back representing squad ZNZ. मैं आज आपके लिए लाया हूँ कुछ मसालेदार बयां. एल्बम का नाम है, सुना होगा आपने. एंड बयां एल्बम इज़ फ्रॉम सीधे मौत. एंड इसमें जो है बहुत सारे आर्टिस्ट जो हैं, सेज ऑन द बीट हैं और बहुत सारे हैं. एंड क्यों गाना है इस पर रिएक्ट करने वाले हम, जिसमें फीचरिंग सीधे मौत ही हैं. सो बयां एल्बम में टोटल 12 गाने हैं. आप इनको रे बीजे भैया या काम या सीधे मौत के इंस्टाग्राम पेज पे जाएंगे तो आपको लिंक मिलेगी. आप किसी भी म्यूजिक प्लेटफॉर्म से जो है आप ये पूरे गाने सुन सकते हैं. एंड आई एम वेरी हैप्पी बिकॉज ये फर्स्ट एवर डेब्यू एल्बम है फ्रॉम सीधे मौत. एंड जो कि एप्पल में लाइक टॉप 10 में, इंडिया में टॉप 10 में कुछ एल्बम शो हो रही थी. एंड इस एल्बम के बारे में आर्टिकल भी आया था. एंड आई एम वेरी प्राउड दैट इंडियन हिप हॉप सीन इज़ गोइंग. एंड मच लव टू यू ऑल, टू सीधे मौत फ्रॉम दिस छोटे भाई. एंड आई एम वेरी हैप्पी टू रिएक्ट ऑन इट. एंड आई वॉज जस्ट ईगरली वेटिंग व्हेन इट विल ड्रॉप अ वीडियो. सो इट हैज़ बीन ड्रॉप एंड हियर वी गोना रिएक्ट टू इट. So Kyung, produced by Sidem, says on the beat, Sidem Mouth. Let's do it in my style, Habibi. 1, 2, 3. Yalla, Habibi. 1 minute. और एक बात बोलना भूल गया, मैं ये लाया हूँ. क्या है ये? Oranges, bars, punchlines. Let's do it. को चिकन खाता है, सिगरेट पीता है, दारू पीता है, नशे करता है, मंदिर नहीं जाता, अरे लड़कीबाजी करता है पूरा दिन, फेल हुआ था, पैर नहीं छूता, इसको जाने नहीं दे सकते, पैर ही नहीं छूता, ये तो कौन है ये? किधर हूँ मैं? अबे दरवाजा खोल. दरवाजा खोल क्यों नहीं रहा ये कोई? दरवाजे का सारी है ये. ओए दरवाजा खोलो कोई. वहां पे कोई नहीं सुनता था, अब तो सुन लो. दरवाजा खोलो. आवाजें क्यों है यहाँ पे? क्यों? सुनो, अगर तुम लोग नहीं खोल रहे ना, मैं तोड़ के आ जाऊंगा. मैं पता नहीं चाहूंगा, ठीक है? 3 तक गिन रहा हूँ. 1, 2. ऐसा लगे आज छीन के ही देना है, जो देना है दिलाने वाला कोई नहीं है. या सुने है तो आगे खुद सो, तेरे पीछे या सुलाने वाला हर कोई है. आगे खुद देखो, आगे खुद देखो. बापू बोले कोई गाल पे तमाचा दे तो दूजा भी उसी के आगे दे दो. मैं बोला क्यों हाँ, ऐसे ही जाने दो क्यों. दहाड़ू जैसे किंग कॉन्ग भागे सारे कीड़े, कभी सपने थे फीके, अब ये मुझे को खरीदे पड़े पीछे मेरे. ऐसे ही जाने दू क्यों है घिसा मैंने 3 साल खुद को. मैं जागा 3 रात आंख लाल, मेरी लिगी 3 बात तेरे लिए फिर क्यों हाँ. ऐसे ही जाने दू क्यों, ये जो एक बार चली जाए वो बाजू फिर लौट के ना आए. हो जाए कहाँ जाए वो हो जाए बेटा क्यों हाँ. तो फिर ऐसे ही जाने दू क्यों, ऐसे ही जाने दू क्यों, ऐसे ही जाने दू क्यों. ये वक्त मेरा आका, यही तेरा दोस्त तेरा सांझा है. ये खाओ भर जाता, यही खाओ कर जाता. चला हाथों की लकीरों पे निगाहें करी तीखी महंगी पड़ी बड़ी ज्यादा. जो सलाहें ली थी फीकी लिखी भी थी बड़ी बाधा थी. किताबें मेरी फीकी जीती खड़ी खड़ी. आशा करी मेरी चीबी मीठी मारी सीटी. पूरा देश घूम गया दिल की सुनी तो पूरा देश मूत गया. एक महीना खींचेगा तेरा हफ्ता. दे आशिकों को यहाँ पे कलेश चूम गया था मैं. बैठा कोने में थी नजरें सभी पे, जिगरानी किसी पे ये ठीक है. पैसों के पुजारी बने फिर इनकी पत्तियां बना दी, फिर जला दिया वो भी बिना घी के. मौत आए सीधे सीधे होते काश के ये बरे निकले, ये चीनी से भी ज्यादा मीठे. मेरा वक्त हाथ से निकले हो जैसे रे, देख के भी दिखे ना ये झूठ था सफेद शायद. सही और गलत अब कोई मायने ना रखे, मेरे लिए हूँ मैं एक गायक एक लायक एक नायक. लेके चलूँ अपने ऊपर एक दायक की तू दुनिया मेरी नजरों से भी देख शायद पाएगा कभी. पूरा खेल यहाँ हाथ धरे बैठा, मेरा काम शमशान था बनाना. तेरे लिए ज्ञान मैंने बांटा, फिर झांक मेरी आंखों में और बोल मुझे क्यों हाँ. ऐसे ही जाने दू क्यों.
ये मुझको खरीदे पड़े पीछे मेरे क्यों हाँ ऐसे ही जाने दू क्यों है घिसा मैंने तीन साल खुद को मैं जागा तीन रात आंख लाल मेरी लिखी तीन बात तेरे लिए फिर क्यों हाँ ऐसे ही जाने दू क्यों था जिना पूरा घर बार कब के दिल की काली नजरें गड़ाए पड़े कीड़े पड़े इन्हें पड़े पीछे मेरे क्यों हाँ तो फिर ऐसे ही जाने दू क्यों ऐसे ही जाने दू क्यों ऐसे ही जाने दू क्यों जनाब दिन आज का हो या राजाओं के जमाने का इंसान साला हर डर से निकल गया चोरी का नशे का जिंदगी का डर एक डर रह गया समाज का डर हैं इन सब ने हक करी दुनिया की मानेगा तो हर घड़ी हद करी पुड़िया निकालेगा तो सब तेरी हर गली हट करी हुलिया क्यों सुनेगा किसी की खुद है जो किल्सा सभी से ऐसी गांडू करे हर कदी क्यों बनी तुम्हारे लिए सूली पर चढ़ते तुम सर पर क्यों पैसा नशा पैरे बने लगा दल दल ये ना छोड़े कभी होने लगी खलबली क्यों ना निकले मुंह से इनके चुअप बहुतों की कभी मेरी छवि कभी पाओगे ना चुअप मैं पाओगे ना चुअप भले सड़ लगे बुरा जैसे बड़े गले लगे चूरी खोपे पीछे लगा की गोली गई छू करे अपने भी तोड़े दिल क्यों पर सालों से चारों के बीच क्यों डर क्यों कर गौर और इन बातों पे फूक कर ए ट्रिप हंसी क्यों सदी है बस ये झूठ पर है धूप पर देने का तो मन भेड़ेगा तो गंद फैलेगा सहले क्या कहलेगा करूं मशरे सा भेड़ा अगर तेरे चेहरे का चेहरे क्यों कहने का बस फटी जब सुना सच है पूरा देश घूम गया खुद की सुनी तो सारा गेम रूल क्या माता भग के चढ़ेगी ज्यादा खुद की मिलेगी सारी भूत की सूची तो पूरा बेस भूल गया भला ऐसे ही जाने दू क्यों दहाड़ू जैसे किंग कॉन्ग भागे सारे कीड़े कभी सपने थे फीके अब ये मुझको खरीदे पड़े पीछे मेरे क्यों हाँ ऐसे ही जाने दू क्यों है घिसा मैंने तीन साल खुद को मैं जागा तीन रात आंख लाल मेरी लिखी तीन बात तेरे लिए फिर क्यों हाँ ऐसे ही जाने दू क्यों ये जो एक बार चली जाए वो पासी फिर लौट के ना आए हो जाए कहाँ जाए वो हो जाए बेटा क्यों तो फिर ऐसे ही जाने दू क्यों ऐसे created by Vulture Culture. Baya is dope. मैं अभी सुनूंगा गाने. मैं सोचा था पूरी एल्बम जो है रिएक्ट करें बट दूसरे प्लेटफॉर्म्स में है सो आई एम टॉकिंग टू माई टीम सो इफ वी कैन वी विल. एंड रही बात अभी जिसने जो है बार्स लगाए मतलब बार्स पे बार्स जिसके थे मुझे लगा अपने एंकोर एबीजे भैया व्हेन काम डिड इट ब्रो उसका फ्लो ओहो आई गॉट अटैच टू हिज फ्लो मैन फ्लो जालिम था एंड बहुत ही ख़तरनाक लिखा गया. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट वीडियो इन द एंड जो ड्रोन से ऊपर शॉट लिया गया था मतलब पूरे जो छत दिख रहे थे इट वॉज लाइक ब्यूटिफुली शॉट एंड आई लव दैट शॉट. एंड जो चेस का था और जो स्टोरी है गाने में इट इज़ लाइक डोप. और जहाँ पे इनको ए बी जे कहते हैं कि सारा डर निकल गया यार कि जो लोग जो हैं चोरी से मौत से मतलब ज़िंदगी का डर इसका डर उसका डर लेकिन समाज का डर नहीं निकला है यार. ये पॉइंट लेने की है समझ रहे हो पॉइंट लेने की है बिकॉज जब तक आप अपने सपने अपने लिए कुछ नहीं करोगे ये सोचोगे समाज क्या कहेगा क्या बोलेगा क्या करेगा वो कुछ नहीं करेगा वो सिर्फ बोलेगा कुछ नहीं करेगा सिर्फ बोलेगा. आपको अगर अपने पैरों पे खड़ा होना है तो आपको अपने ही पैरों से खड़ा होना है. कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा. जो लोग सपोर्ट करेंगे आपको अपनी स्टार्टिंग में प्लीज़ उनको कभी ज़िंदगी में मत भूलना बिकॉज उनकी उनका भी कहीं ना कहीं हाथ है आपके स्टैंड होने में. सो इट्स डोप टोटली फ्रॉम मी. अबे खाली हो गए बताना कि काम के रैप के टाइम मतलब काम के वर्स के टाइम मैंने कितने खाए उनको और ए बी जे भैया के टाइम पे कितने खाए
प्लीज़ बताना और इसी बात पे वॉइस क्लिप सुनते हैं। सो ब्रो, क्यों सॉन्ग ऐसे बना कि मैंने वो बीट सुनी पहले जब मेरे को लाइक सेज ने भेजी थी, आई गेस हम स्टूडियो में ही थे जब वो बन रही थी या बाद में उसने लिंक भेजा था, तो कुछ तो था। मेरे को इतना याद है कि मैं अपने रात को कुत्ता घुमा रहा हूँ अपना, और मैं वो बीट सुन रहा हूँ मेरा लाइक रात के 11 बजे कुछ सड़क पे ही, तो क्या बोलते हैं वो सुनते सुनते लाइक वो बीट सुनते सुनते मुझे गुस्सा आ रहा है, समझ रहा है क्या बोलते हैं फ्रस्ट्रेशन क्या बोलते हैं आ रही है। मतलब लाइक ज़्यादातर ऐसा होता है कि बीट टॉक्स टू अस, समझ रहे हो लाइक वो लाइक तब पता चलता है किस डायरेक्शन में जाना है, कहाँ लेके जाना है किसको, कि वो बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट होता है बीट को महसूस करना। तो क्या बोलते हैं सबसे ज़्यादा मतलब मेरे को यही चीज़ महसूस कर रहा है बीट ने कि लाइक क्वेश्चंस पूछो, समझ रहे हो लाइक जब मेरे को गुस्सा आया लाइक चीज़ें के बारे में सोचिए, मतलब जो चीज़ें इरीटेट एजिटेट करती हैं उन चीज़ों के बारे में मैं जब सोचता गया तो फिर उनमें से क्वेश्चंस निकले, समझ रहे हो क्या बोलते हैं गुस्से के बाद क्या बोलते हैं क्वेश्चन आता है कि ये गुस्सा किस वजह से, इसका कारण क्या है, समझ रहे हो। सो बेसिकली मैंने वही लिखा है, मतलब उस टाइम पे ऐसा था कि ऐसी एनर्जी आ रही थी कि लाइक अगर कोई भी अब बोले कि अब छोड़ देना है मतलब नहीं करना है हिप हॉप तो जाने दे, अगर इसको अगर कोई बोलता कि मत कर जाने दे, क्यों जाने दूँ, समझ रहा है लाइक नहीं जाने दे सकता मैं उसे। तो बेसिकली वहाँ से वो कॉन्सेप्ट निकल के आया क्यों का मेरा, लाइक वो पूरा एक एंगर एक बयान है वो उस गुस्से का, समझ रहा है। तो लाइक तो इससे अगर हम एल्बम पे जाएं तो पूरी एल्बम जो है बयान वो भी वो ये हर एक गाना अपने आप में एक स्टेटमेंट है, समझ रहा है। बयान का मतलब इज अ स्टेटमेंट, चाहे एक एक्सप्रेशन, चाहे वो अच्छा हो खुश हो उदास हो, चाहे मज़े के मूड में हो, चाहे वो किसी को मारने के मूड में हो, चाहे वो कुछ कह रहा है, चाहे वो ज्ञान दे रहा है, समझ रहा है, चाहे वो स्टूपिड बातें कर रहा है, लेकिन वो एक बयान है। तो ये पूरी एल्बम का बयान ही मतलब हर एक गाने अगर आप सुनोगे तो आपको पता चलेगा कि लाइक और कि मैं हर एक एक्सप्रेशन कुछ ना कुछ मतलब है गाने के पीछे, बहुत सारे मतलब भी हो सकते हैं और पूरी एक एल्बम का भी अपना एक मतलब बनता है लाइक जो आपको लाइक आखिरी तक जब शुरू से और आखिरी तक जाओगे तो आपको पता चलेगा लाइक इट्स जस्ट अस एक्सप्रेसिंग अस टू यू व्हाट वी आर अबाउट। और क्योंकि सबसे ज़्यादा जब आप रिलेट तभी कर पाते हो जब एक अच्छे से एक्सप्रेस कर पाओ औरों के साथ, और हमारा शुरू से मोटिव यही रहा है कि हर किसी से कनेक्ट करना है थ्रू एक्सप्रेशन, क्योंकि हमें पता है जो हम फील करते हैं वही सब फील करते हैं, हमें बस वी हैव टू बी द माउथ पीसेस, समझ रहे हो लाइक ताकि जब कोई सुबह सुबह ऑफिस जा रहा हो या फिर कहीं कुछ हो तो वो अगर सुन रहा है तो उसे पता है कि वो सिर्फ अकेला सफ़र नहीं कर रहा, वी आर विद देम, समझ रहे हो लाइक ऐसा कोई सीन नहीं है। तो That's the thing between the album, behind the album or behind the song, bro. Yeah, mad love to you, though. Yo, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। जिनको हिप हॉप पसंद है सिर्फ उनको कीजिए, हमें कोई दूसरे लोग नहीं चाहिए जो हिप हॉप को सुनते हैं, जो हिप हॉप को सुनना चाहते हैं वो आए। वी हैव अ बिग 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 हार्ट एंड कीप सजेस्टिंग अस, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट आप लोग सजेस्ट कर रहे हैं एंड इट्स नाइस, हम आ रहे हैं उसी पे करेंगे इंशाल्लाह। बस लाइक कर दिया ना, कमेंट कर दिया है ना, तो शेयर तो कर दिया ही होगा, अभी जो है सब्सक्राइब कर देना अगर सब्सक्राइब कर दिया है, घंटी भी दबा दो। यो ए क्यों 3 साल मैंने भी घसा है, सॉरी मैं 3 साल नहीं, मैं सीन में जो हूँ तकरीबन 4 से 5 साल से हूँ। इंशाल्लाह अगर मेरे सब्सक्राइबर्स 10,000 या 5,000 हो गए तो मैं इसी चैनल में अपने गाने ड्रॉप करना स्टार्ट करूँगा, ये मेरा वादा है और मेरी इच्छा भी है। तो अभी के लिए वीडियो ख़त्म करते हैं, सारे करो मेरे साथ क्या क्यों चलो दफा हो, बाय बाय।